अमेरिका के इलिनॉयस प्रांत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पता चला है कि गिरजाघरों के यौन शोषण के 500 आरोपित पादरियों के नाम से प्रशासन इनके नाम छिपा गया। इलिनॉयस की अटॉर्नी जनरल लिसा मेडिगन ने गुरुवार को कहा कि 690 पादरियों पर यौन शोषण के आरोप लगे थे, लेकिन इनमें से केवल 185 नामों को ही उजागर किया गया। बाकियों के खिलाफ चर्च की आंतरिक जांच कमजोर पाई गई या की ही नहीं गई। सवाल इसी बात का है कि इन पादरियों के नाम क्यों छुपाए गए, अन्यथा इनके खिलाफ जांच क्यों रोकी गई। कहा जा रहा है कि अमेरिका के गिरजाघरों में लगातार यौन शोषण के मामले बढ़ते ही चले जा रहे थे और इसीलिए 500 से अधिक आरोपित पादरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि 690 पादरियों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे थे, लेकिन ज्यादातर को बचा लिया गया। अब यह पूरा मामला बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। देखने वाली बात यह भी है कि शेष बचे हुए पादरियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।